हेलो दोस्तों, आप राम गुड मॉर्निंग है चीची राम। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप लोग मस्त है, स्वस्थ हैं? देखिए ये वाला क्या है, पिट्टा का लड्डू। तो हम लोग ये कढ़ाई को ये करने के लिए, ज़्यादा काला नहीं होने के लिए ये वाला लगाएंगे, और ये आप लोग भी ज़्यादा काला वाला नहीं सकोगी ना गिराने, तो ऐसे लगा लो। ये क्या बोलते राख से, और ये उसमें जल्दी गिर जाएगा, ऐसे करने से गिर जाएगा। तो आप लोग ऐसे कर लीजिए, उसके बाद तो ये काला करो, और उसके बाद सब्जी सब बनाओ बनाइए जी। देखिए हम दोनों अभी सब्जी बनाने वाले हैं, शाम हो गया अभी, तो बहुत गर्मी भी लग रहा है, क्या करें। तो आलू सोयाबीन बनाएंगे, जी आएगी अभी आलू सोयाबीन बनाएगी। जी को काला करने के लिए नहीं आता है, तो हम काला कर देंगे, उसके बाद जी सब्जी बनाएगी, हम उसके बाद नहा लेते हैं, इतना गर्मी भी लग रहा है। अभी मैं तो कैसे सब्जी बनाती हूँ जी, आलू सब्जी का और आलू सोयाबीन का सब्जी, आप लोग भी ऐसे काला कर दीजिए, उसके बाद बनाइए सब्जी साहब, ज़्यादा काला नहीं होगा, मेहनत भी नहीं होगा, ठीक है। अभी तो खत्म हो गया वो वाला। अभी चढ़ाइए आग, कैसे जल रहा है वो बुआ का। अब लोग ऐसे काला कर लीजिए, चूल्हा कैसे आप लोग देख रहे हैं, पूरा स्टाइल बड़ा महात्मा गांधी जैसे बड़ा। हाँ तो हम लोग ऐसे ना, मतलब पीछे पेंट करके बनाते हैं, वो राख से, राख का जो धूल है ना, इसका डस्ट से पूरा उसको पेंट कर देते हैं, ताकि उसको धोने में दिक्कत नहीं होगा, माई जल्दी से गिरा पाएगी, नहीं तो फिर होता है ना कि उसको रगड़ रगड़ करके नहीं ये कर पाएंगे, मतलब गिर नहीं पाता है ना, इसीलिए आसानी से गिरने के लिए ये सब चीज़ करते हैं। तो आप लोग में भी से कोई ऐसे चूल्हा में पकाते हैं तो वो वाला आप लोग स्टेप कर सकते हैं, पेंटिंग करने वाला। अगर आलू सिजाएँ खाना में डालें तो आलू खाना में डाल देते हैं हम लोग आधी बाकी, तो ये खाना में ही ये आलू सब सिजाते हैं। आप लोग कैसे सिजाते हैं बताइए कमेंट करके। आज तो बीत गया ना, यही सब करते करते अभी सोचिए हम लोग का 4 बजने जा रहा है, अभी हम लोग का खाना बन रहा है, मतलब खाना बन गया, सब्जी बन गई वाला है, ठीक है। हम लोग तो आदिवासी लोग तो नमक बस से भी कहते हैं, और ये आप लोग तो सब्जी से ही कहते होगा, हम लोग तो नमक से भी चलेगा बात ना। कितना रेट है बाप रे, सब्जी सबका बहुत रेट हो गया इस बार तो। हमको लगता है ना लॉकडाउन में हम जब ये थे उस समय इतना पैसा नहीं खर्च हो, मतलब इतना सब्जी सबका रेट नहीं, कम से कम ये भिंडी वगैरह सबका इतना रेट नहीं था, अभी तो भिंडी भी 60 रुपए किलो, मतलब कोई भी सब्जी 50 से कम नहीं है, साग को छोड़ करके, साग इतना बरसात में कौन खाएगा, कितना खाएंगे साग। आप लोग के तरफ कैसे रेट है सब्जी सब बताइए। खेती नहीं कर पा रहे ना, इसीलिए शायद ये सब हो रहा है, नहीं तो ऐसे हम पहली बार देख रहे इतना ज्यादा रेट। कोई तो एक सब्जी रहता था जैसे कुंदरी हुआ, आजकल तो कर रहे हैं कोई भी ऐसे टाइम में होता है ना कि कोई भी एक दो सब्जी जो सीजन वाला है वो सब उतना रेट नहीं होता था, लेकिन इस बार इतना रेट हो गया कि क्या ही बताएं, हम तो अचंभित हो गए हैं। आलू जाओगे जमिया तुरंत आलू आलू बोल करके एक दो गाना है ना, तो मोटा हो जाएगा आलू खा खा के। चलिए वीडियो वहीं पर रखते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए आप लोग,
और कमेंट करके जरूर बताना तो काला वाला कढ़ाई कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। और आप लोग तरह वैसे काला करके ये सब्जी सब बनाता है कि नहीं जरूर बना बोल रहे बताना। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। तब तक लेने वीडियो में बाय बाय।